Hello and welcome everybody to Defense Mania, one stop for all defense exams. Friends, इस part में हम cover करेंगे May 2019 के current affairs. और मैं आपको एक बात बता दूँ तो May में बहुत important चीज़ें हुई थी, both at international and national level. तो इतनी important चीज़ें हुई है तो लाजमी है Afcat 2 2019 में एक या दो question इस part से देखे जाने की probability और बढ़ जाती है. तो let us begin. और हमारी फर्स्ट न्यूज़ ही लास्ट डे से स्टार्ट होती है, 31 मई. उस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे. उसी के साथ यूएस ने इंडिया को रिमूव कर दिया है. कहाँ से? करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से. क्यों? बिकॉज ऑफ सम फॉरेन एक्सचेंज इररेगुलरिटीज़. उनकी वजह से यूएस ने टेम्पररीली इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया है. 29 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर यूएन पीस कीपर्स. ICC 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार कहाँ होस्ट होगा? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था. ये इसका 12th एडिशन था और इंग्लैंड ने ही फॉर वेरी फर्स्ट टाइम इस बार की ट्रॉफी लिफ्ट की है. कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? 10 टीम्स ने. और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. ये सीरीज़ हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर्स में. प्लीज़ डू विजिट आर प्लेलिस्ट एंड फाइंड दिस वीडियो, इट इज़ वर्थ वॉचिंग इट. WHO ने एक्सेसिव गेमिंग को एडिक्टिव डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर कंसिडर किया है. 28 मई को मनाया जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे. 2023 का एशियन फुटबॉल कप चाइना होस्ट करेगा और चाइना ने विकिपीडिया के सारे एडिशंस को ब्लॉक कर दिया है. स्कॉट मॉरिसन स्वॉर्न्ड इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और सिरिल रामाफोसा जी को किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. इंटरनेशनल मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइस इस बार किसे मिला है? झोका अलहार्थी को. शी इज ओमान ऑथर. उनकी बुक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए. अल्टीमा थुले, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अल्टीमा थुले इज अ टर्म एसोसिएटेड विद व्हाट. तो ये एक फार्थेस्ट प्लेस्ड इन यूनिवर्स है जहाँ नासा के स्पेसक्राफ्ट ने वाटर के एविडेंस पाए हैं. 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और जोको विडोडो जी को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया वापस से फॉर द सेकेंड टर्म. और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इट इज़ जकार्ता. सर एंडी म्यूरे, ये कौन है? ही इज़ टेनिस स्पोर्ट्स पर्सन. इनको अभी नाइटहुड मिला है बाय प्रिंस चार्ल्स. ये प्रिंस हैं वेल्स के, फॉर हिज सर्विसेज टू टेनिस. अच्छा, ये जब नाइटहुड मिलता है ना तो इंसान के आगे सर लग जाता है और लेडी को मिलता है तो डेम लगता है. सर एंड डेम, DAME. और 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे. और ताइवान फर्स्ट नेशन बन गया है एशिया में टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज. और यूएस के प्रेसिडेंट ने अभी नेशनल इमरजेंसी लगा दी है उनके स्टेट्स में. क्यों? टू प्रोटेक्ट इट्स कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम एस्पियोनेज. ये एस्पियोनेज क्या होता है? स्पाई सिस्टम. स्पाई सिस्टम से प्रोटेक्ट करने के लिए अभी यूएस ने नेशनल इमरजेंसी लगाई है. बेसल कन्वेंशन, उनमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं टू इंक्लूड प्लास्टिक वेस्ट. अच्छा, ये बेसल कन्वेंशन क्या है? ये एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि 1989 में साइन हुआ था. ये क्या करता है? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये जो ट्रांसनेशनल अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट होते हैं हजार्डियस केमिकल्स के, हजार्डियस वेपन्स के, ये इन्हें रिस्ट्रिक्ट करता है. बेसल कन्वेंशन 1989 में साइन हुआ था. पाकिस्तान हैज़ रीच्ड एन एग्रीमेंट विदाउट विद द IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. कमेंट में बताइएगा इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है. टू बेल आउट द पैकेज अंडर विच द कैश ट्रैप्ड कंट्री विल रिसीव $6 बिलियन ओवर 3 ईयर्स. पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से पैसे मिल ही जाते हैं. चलो, May 6 से May 12 तक ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया गया है और उसका थीम क्या है? लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी. लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी इज द थीम ऑफ UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक. 6 मई से 12 मई को मनाया जाता है ये. टाइगर वुड्स,
टाइगर वुड्स को मिला है हाईएस्ट यूएस सिविलियन अवार्ड. ये कौन सा होता है? ये प्रेसिडेंशियल फ्रीडम अवार्ड मेडल होता है जो कि यूएस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है. मे 3 को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2019. कामी रीता, ये कौन है? ये नेपाली शेरपा क्लाइंबर है जिन्होंने 23rd टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है. ये है ना, खुद ही रिकॉर्ड बनाती हैं और खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ देती हैं. फॉर द 23rd टाइम ये माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर चुकी हैं. शी इज़ कामी रीता. माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ल्ड का पहला इलेक्शन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है इलेक्शन गार्ड के नाम से, ताकि वोटर अपने वोट को लास्ट तक ट्रैक कर सके. इलेक्शन गार्ड, ये टर्म याद रखना, इलेक्शन गार्ड इज एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट. कुमार सांगाकारा, ये कौन है? ये श्रीलंकन क्रिकेटर है. ये फर्स्ट नॉन ब्रिटिश पर्सन है जिनको एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी क्लब अपॉइंट किया गया है. एमसीसी इज मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब. गेम चेंजर, ये एक बुक है जो शाहिद अफरीदी जी ने लिखी है. सस्टेनेबल पेंशन फॉर ऑल द रोल ऑफ सोशल पार्टनर्स, ये थीम है फॉर इंटरनेशनल लेबर डे जो कि मनाया जाता है 1 मई को. कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. और इस बार की थीम थी सस्टेनेबल पेंशन फॉर ऑल द रोल ऑफ सोशल पार्टनर्स. यूके बना है फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर एन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट इमरजेंसी इन इट्स पार्लियामेंट. ये इमरजेंसी जो यूके में लगाई है, इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है टू कर्ब ग्रीन हाउस गैसेस इन इट्स नेशन और सेफ एमिशंस को प्रमोट किया जाए. कब तक? 2025 तक. राजनाथ सिंह, ये हमारे न्यू डिफेंस मिनिस्टर होंगे. अमित शाह होंगे वो हमारे होम मिनिस्टर होंगे. और निर्मला सीतारमन जी जो फर्स्ट फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर थी, वो इस बार हमारी फिनेंस मिनिस्टर है. सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू दिया है अपना एज अ कमेंटेटर. कहाँ पे? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, उसके ओपनिंग मैच में. इंडिया की सेकेंड पोजीशन थी अकॉर्डिंग टू आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग्स. गोवा ने अपना स्टेटहुड सेलिब्रेट किया किस दिन? मई 30 को. अच्छा, गोवा बना कब था? 1987 में गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया. ये पोर्तुगीज कॉलोनी थी पहले एंड स्टेट बना 1987 में. बिमस्टेक कंट्रीज वर इन्वाइटेड बाई इंडिया टू अटेंड द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. जो मोदी 2.0 कहा जाता है, इनका सेकेंड टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में बिमस्टेक कंट्रीज को इन्वाइट किया था. वॉट इज़ बिमस्टेक? इट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. कितने कंट्रीज इसके मेम्बर हैं? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड थाईलैंड. 8 कंट्रीज जो हैं वो बिमस्टेक के मेंबर्स हैं. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में, बांग्लादेश. आकाश MK-1S, ये क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है. इसे लॉन्च टेस्ट किया गया है फ्रॉम ओडिशा DRDO ने. लोकपाल इंडियन इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ कंपटीशन फॉर इट्स लोगो एंड मोटो. ये लोकपाल जो है, ये पहली बार घोषित किया गया है. ये क्या है? ये एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है. किसे नियुक्त किया गया है इंडिया का फर्स्ट लोकपाल? पिनाकी चंद्र घोष जी को. अच्छा, ये कौन से अमेंडमेंट के अंदर आता है? 2013 के लोकपाल अमेंडमेंट बिल में ये आता है. और ये लोगो एंड मोटो का जो ये जो कंपटीशन है, इसमें लैंग्वेजेस कौन सी अलाउ की गई हैं? इट इज़ हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश. प्रेम सिंह गोलाय, इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम नियुक्त किया गया है. पहले कौन थे? पवन कुमार चामलिंग. पवन कुमार चामलिंग को लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का भी दर्जा मिला है. और अब है प्रेम सिंह गोलाय. पेमा खांडू, ये वापस से बनी है चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. जगन मोहन रेड्डी, ये बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश. ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं.
इंडिया अफगानिस्तान को देगा MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है CDS में भी कि MI-24 क्या है, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये, इंडिया ने किसको दिए थे, अफगानिस्तान को। तेजस्वी सूर्या ये यंगेस्ट BJP कैंडिडेट हैं जो लोकसभा इलेक्शंस में जीते हैं, कहाँ से, बैंगलोर साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ही इज 28 ईयर्स ओल्ड। 21 मई को 20th डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है किसकी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की। युजवंदर चहल ये कौन है, ये इंडियन स्पिनर है, इन्होंने न्यू लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्च की है चेकमेट। और सलमान खान को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पे, फ़ोन पे के कौन है, आमिर खान, और भारत पे के सलमान खान। इस न्यूज़ से हमें पता चलता है कि भारत में 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इन द ईयर 2019। महाराष्ट्र में 26 रिजर्वोयर्स को ज़ीरो स्टोरेज टैग कर दिया गया है, बाई हु, बाई वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कैश लाइट सोसाइटी ये वेंचर किसका है, RBI का। ये एक विजन डॉक्यूमेंट है फॉर इंश्योरिंग सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट, क्विक एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट सिस्टम। ये एम क्या करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा बूस्ट अप करने को, 4 times बढ़ाना चाहता है इसका। अच्छा, RBI अभी न्यूज़ में था, फॉर सेफ्टी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन्होंने कमिटी लॉन्च की है, उस कमिटी का हेड कौन है, नंदन नीलेकानी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है फॉर एफकैट। मुंबई इंडियंस इस बार IPL लीग को 4th time जीत चुका है, किसे हरा कर, चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के, और ये ध्यान में रखना ये एक ही रन से जीता है। एंड्रे रसल ये प्लेयर ऑफ सीरीज थे IPL में, और पर्पल कैप जीतने वाले कौन थे, इमरान ताहिर। पर्पल कैप किसे मिलती है, जो हाईएस्ट विकेट टेकर होता है उसे। ऑरेंज कैप ये किस लिए मिलती है, हाईएस्ट रन स्कोरर को, ये किसे मिला है, डेविड वार्नर को IPL में। कदावूर सिवादासन ये कौन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है पर्सनालिटी रिलेटेड कि ये जो अभी जिनकी डेथ हो गई है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, ये थे पॉलिटिक्स से, ये MLA थे फ्रॉम केरला। नेशनल डेंगी डे ये कब मनाया जाता है, 16 मई को। अरुणाचल प्रदेश हैज़ 35% ऑफ कंट्रीज ग्रेफाइट डिपॉजिट एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एफकैट का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस स्टेट को 35% ग्रेफाइट डिपॉजिट माना गया है, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और CDS का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट, ये जो न्यूज़ है ये कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मानव किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किस लिए, फॉर इम्प्रूविंग आवर नॉलेज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। हीरा लाल यादव ये कौन थे, ये एक फोक सिंगर थे, इनको बिरहा सम्राट भी माना जाता है, जिनकी अभी अभी डेथ हो गई है, हीरा लाल यादव बिरहा सम्राट, ही वॉज फोक सिंगर। थ्रिसूर पूरम ये क्या है, ये फेस्टिवल है केरला का। फेस्टिवल का एक क्वेश्चन हमेशा दिखा ही जाता है और हम हर एक सीरीज़ में कोई ना कोई फेस्टिवल कवर कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा इस सीरीज़ का फेस्टिवल है थ्रिसूर पूरम केरला। इंडियन आर्मी की थीम क्या थी इस साल की, ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, टू रीच आउट द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग सोल्जर्स। मदन भीमराव लाकुर ये हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, इनको अपॉइंट किया है एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी। अच्छा, फिजी के लिए तो ये मतलब उनके नेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो क्या इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न है कि नॉन इंडियन कोई आके हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज बने या कोई भी पोजीशन पे उनको अपॉइंट किया जाए। नो, आंसर इज़ नो, इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, फिजी में होगा, इसलिए मदन भीमराव लाकुर जी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ ये किसे कहा गया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। किसने कहा है, टाइम मैगजीन ने,
उनके कवर पेज पे ये ऐसी इमेज है, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, और फोटो लगी है मोदी जी की। इंडिया को वापस से एज अ ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, कहाँ? आर्कटिक काउंसिल इंटरनेशनल फोरम में। अच्छा, आर्कटिक काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल फोरम क्या है? ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि इसके मेंबर कौन कौन हैं, जो भी आर्कटिक सर्कल में आते हैं वो, जैसे कि US, कैनेडा, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और रशिया। ये अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए इंडिजिनसली मेड इनका ये इंटरनेशनल फोरम है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। हर बार इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ऑप्शंस दिए होते हैं, फिर पूछा जाता है इंडिया किसका पार्ट है, मेंबर है या तो फिर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर्कटिक काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल फोरम, लेकिन ये इसका ऑब्जर्वर कंट्री है। 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये अभी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई थी। और इससे पहले हमने पढ़ा था अबाउट नाइटहुड, सर एंड्री म्यूरे को मिला था इस बार का नाइटहुड। तो एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी मिला था नाइटहुड इन द ईयर ऑफ 1915 फॉर हिज लिटरली वर्क्स। जो हमारे विसरॉय थे, विसरॉय हार्डिंग, इन वो इनको बहुत पसंद करते थे। पर्टिकुलरली वो चाहते थे कि इनको नाइटहुड मिले, लेकिन 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसको लेकर उन्होंने अपना जो नाइटहुड है वो रिनाउंस कर दिया था। 1915 में इनको मिला था और 1919 में इनको इन्होंने रिनाउंस कर दिया, वो टाइटल वापस दे दिया। जगजीत पवाड़िया, इनको वापस से नियुक्त किया गया है किसमें? इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में फॉर 5 years। INS रंजीत, ये क्या है? ये राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर है, इसे डीकमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम से। इसने 36 years की सर्विस दी है इंडिया को। INS वेल्ला, ये क्या है? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो लॉन्च की है अभी अभी, विद एन एम टू बूस्ट इंडियन कैपेबिलिटी टू डिफेंड एंड सिक्योर द स्ट्रैटेजिक सी लेन। अच्छा, INS वेल्ला जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, तो अंडर P-75 प्रोजेक्ट थी, तो 6 सबमरीन को लॉन्च करना था जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगी। 3 ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो कौन कौन सी है? कलवरी क्लास की, INS कलवरी, INS करंज और INS खंडेरी। अब ये चौथी सबमरीन है INS वेला, और 2 सबमरीन इसके बाद लॉन्च होगी, वो कौन सी होगी? INS वाक्शीर इसके बाद लॉन्च होगी, ये भी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होगी जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगी। अपूर्वी चंदेला, ये कौन है? ये इंडियन शूटर है। इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन अचीव किया है, कहाँ? इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। आजकल एफकैट डीप में क्वेश्चन पूछता है, उसकी कैटेगरी पूछ लेता है कि अपूर्वी चंदेला जो इंडियन शूटर है वो किस कैटेगरी में खेलती हैं। ये 10 मीटर एयर राइफल में से बिलोंग करती हैं। RBI ने नोट इशू किया है 20 रुपीज़ का, जो कि ग्रीनिश येलो कलर का होगा, और उसमें कौन सी हेरिटेज साइट शो होगी? इलोरा केव्स। इलोरा केव्स कहाँ पे हैं? इट इज़ इन महाराष्ट्र। अभ्यास, अभ्यास क्या है? ये एक हीट ड्रोन है। हीट का फुल फॉर्म क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जो कि टेस्ट फायर किया गया है फ्रॉम चंदीपुर उड़ीसा। प्रफुल्ल पटेल जी को इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 साल के लिए। हु इज़ ही? ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, प्रफुल्ल पटेल। UAE ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है किसे? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इसी के साथ नरेंद्र मोदी जी के सारे हम अवार्ड्स एनलिस्ट कर लें तो हाईएस्ट ऑनर कहाँ कहाँ का मिला है नरेंद्र मोदी जी को? UAE का, सऊदी अरेबिया का, पैलेस्तीन का, रशिया का, अफ़गानिस्तान का, और उनको चैम्पियंस ऑफ अर्थ ट्रॉफी और मालदीव्स का भी मिला है। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ ट्रॉफी मिली है उनको इमैनुअल मैक्रॉन के साथ। इमैनुअल मैक्रॉन कौन कौन है? ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और नरेंद्र मोदी जी को एक और मिला है अवार्ड, सी ऑल पीस प्राइज, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं है, ये दिया जाता है बाय साउथ कोरिया।
उन्होंने जो ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी बूस्ट करने का काम किया है, पीस एस्टैब्लिश करने का काम किया है और सारे इंटरनेशनल ट्रेड को फोस्टर किया है, उसके लिए सियोल पीस प्राइज साउथ कोरिया ने लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी जी को दिया था. फ्रॉम द रशिया, इंडिया इज़ प्रोक्योरिंग वॉट? कमाओ 31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स. ये ध्यान रखिएगा, ये नेवल हेलीकॉप्टर्स होंगे. क्या है? कमाओ 31 फ्रॉम द कंट्री रशिया. एएस किरण कुमार, ये कौन है? ये पहले हमारे इसरो के चेयरमैन थे. इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शेवेलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है. इसी के साथ हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी को, उनको भी बहुत सारे कंट्रीज़ के हाईएस्ट ऑनर मिले हैं. तो कुछ रिकॉल कर लेते हैं. रामनाथ कोविंद जी को मिला है फ्रॉम बोलीविया, फ्रॉम क्रोएशिया, फ्रॉम गीनिया, फ्रॉम इस्वातिया. फिर आता है टू स्कीम्स जो वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की है. कौन कौन सी? उत्कर्ष बांग्ला और सबूत साथी. उत्कर्ष बांग्ला में ये स्किल डेवलपमेंट को फोकस करेंगे और सबूत साथी में बाइसाइकिल की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12. इन दो स्कीम्स के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को अवार्ड मिला है. कौन सा? वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS अवार्ड. के शिवा रेड्डी, ये कौन है? तेलुगु पोएट. इनको सरस्वती सम्मान 2018 से नवाजा गया है. अप्रैल 11 को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल सेफ मदरहुड डे. वोटर्स पार्क, ये सबसे पहली बार कहाँ इनॉग्रेट हुआ? गुरुग्राम में. प्रोफेसर नाजमा अख्तर, ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर है कहाँ की? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की. जॉन मूरे, ये कौन है? ये एक फोटोग्राफर है जिन्होंने एक इमेज ली थी क्राइंग टॉडलर यूएस बॉर्डर वाली. उस फोटोग्राफ को 2019 का वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड मिला है. ही इज जॉन मूरे. कैबिनेट अप्रूव्स 5 GSLV फ्लाइट ड्यूरिंग 2021-2024. और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरप्लेन, किसने ये वेंचर डेवलप किया है? स्ट्रेटो लॉन्च. ये नाम याद रखिएगा, स्ट्रेटो लॉन्च ने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेन बनाया है. माई सर्कल, माई सर्कल क्या है? ये एक ऐप है जो डेवलप की है किसने? भारतीय एयरटेल ने विथ कोलेब्रेशन ऑफ फिकी लेडी ऑर्गेनाइजेशन. ये फिकी क्या है? फिकी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. ये एक बिजनेस फोरम है जो कि 1927 में स्टार्ट हुआ था विद द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी. ये ऐप से क्या होगा? ये ऐप हेल्प करेगा वुमेन को इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और पैनिक सिचुएशन. इंडिया विथ कोलैबोरेशन ऑफ जापान कैंसर हॉस्पिटल बनाएगा कहाँ? केन्या में. इंडिया विद जापान कैंसर हॉस्पिटल एंड इन केन्या. और यूएई जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप करेगा इन इथियोपिया. चाइना, चाइना ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्फीबियस बोट, ड्रोन बोट जो है वो लॉन्च की है. ये इसका नाम क्या है? मरीन लिजर्ड. मरीन लिजर्ड जो है वो एम्फीबियस ड्रोन बोट है जो कि चाइना ने लॉन्च की है. यूएई टू होस्ट वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट अबू धाबी में. आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने एक लॉन्च किया है लर्निंग कॉइन को फॉर देयर इन हाउस पर्पस. कैनरा बैंक जो है वो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक मिला बना है जो आरबीआई के ईएमवी मैंडेट को मीट कर गया है. मिथाली राज को अपॉइंट किया गया है एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ SCCWC. ये क्या है SCCWC? इट इज़ ट्रीट चिल्ड्रन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में होस्ट हुआ था इस बार. एंड इंटरेस्टिंगली इस बार इंडिया ने इसकी ट्रॉफी जीती है अगेंस्ट इंग्लैंड. इंटरेस्टिंग नो. वो लोन और क्यों सो ऊ, ये कौन है? ये दो जर्नलिस्ट हैं जिन्हें इस बार का पुलित्जर प्राइज़ मिला है. ये दोनों म्यांमार से बिलोंग करते हैं. MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रेड बस का.
इंडियन नेवी और वियतनाम पीपल्स नेवी, इनकी बायलेटरल एक्सरसाइज का नाम क्या है? INVPN बायलेट एक्सरसाइज। G20 समिट 2020 की कहाँ होस्ट होगी? सऊदी अरेबिया में। इस साल कहाँ होस्ट हुई थी? इन ओसाका जापान में। और 2018 की पूछे तो कहाँ हुई थी? अर्जेंटीना में, ब्यूनोस अराइज में। 2018 में अर्जेंटीना, 2019 में जापान और 2020 की होगी सऊदी अरेबिया में। नेपाल ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की है फ्रॉम इन स्पेस विद द हेल्प ऑफ नासा। उसका नाम क्या है? नेपाली सेट 1। और श्रीलंका भी अभी न्यूज़ में था फॉर द सेम रीज़न कि उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की है, उसका नाम क्या था? रावणा 1। एट मनी ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फिनेंशियल सर्विस ऐप है जो सारे UPI को इंटीग्रेट करेगा। अप्रैल 17 को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफोलिया डे। और इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक ऐप लॉन्च किया है, वो क्या है? वोटर टर्नआउट ऐप। लास्ट ईयर किया था वो कौन सा था? इट वॉज सी विजिल। ये क्वेश्चन CDS 2 2018 में पूछा गया था कि सी विजिल ऐप किससे एसोसिएट करती है इलेक्शन कमीशन। तो इस बार वोटर टर्नआउट ऐप भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडिया का रैंक आया है 148th किस में? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में। 2018 में हमारा रैंक था 138th। हम दो रैंक से और गिर चुके हैं। इंडिया और फ्रांस की एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है? वरुणा। इस बार ये गोवा कोस्ट पे ऑर्गेनाइज हुई थी। नासा की एक एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टीनिया कोच। ये पहली महिला बनेंगी जो इतनी लंबी स्पेस फ्लाइट करेंगी। इनका हाईएस्ट रिकॉर्ड बनेगा, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट रिकॉर्ड। शी इज क्रिस्टीनिया कोच। 150 इंडियन पीस कीपर्स इन साउथ सूडान विल बी अवार्डेड। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पेशल सर्विस दी है फॉर पीस कीपिंग इन साउथ सूडान। भोपाल गैस ट्रेजेडी को वर्ल्ड का मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट माना जाता है अकॉर्डिंग टू UN। कौन सी गैस इसमें लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में 1984 में? इट इज़ मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में, हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इंडिया का रैंक आया है 17th आउट ऑफ 37 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो फर्स्ट कौन आया है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का रैंक फर्स्ट आया है इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया वापस से रीबिल्ड करेगा श्योपिल कुंड देवी मोनेस्ट्री। ये कोई मोनेस्ट्री है जिसका नाम आप याद रख लीजिएगा जो नेपाल में है। इंडिया इसे रीबिल्ड करने में हेल्प करेगा। इंडिया पोस्ट पार्टनर्स TCS टू मॉडर्नाइज इट सर्विसेज। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हर साल। और इस बार की थीम क्या है? प्रोटेक्ट आर स्पीशीज। इंडोनेशिया ने स्पेशल स्टैम्प्स रिलीज़ किए हैं, थीम क्या है? रामायणा। ये शो करने के लिए कि इंडोनेशिया और इंडिया का बहुत पुराना कल्चरल बॉन्ड चलता आ रहा है। इंडिया का 19th रैंक आया है इन कैंसर प्रिपेडनेस इंडेक्स। गारिया फेस्टिवल वापस से एक फेस्टिवल है। ये गारिया फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। और इसराइल ने अपना एक टाउन है गोलन हाइट्स में, वो रीनेम करेगा आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम जान सकते हैं इसराइल और US के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अभी US ने अपनी एम्बेसी जेरूसलम में एस्टैब्लिश करके शो किया है कि जेरूसलम इज़ अ पार्ट ऑफ इसराइल। तो इन दोनों के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और इसी रिलेशंस के नाते डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर इनका एक टाउन रीनेम किया जाएगा इन इसराइल। वर्ल्ड का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन कहाँ डेवलप किया गया है? मलावी में। मलेरिया का एक प्रोग्राम भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मेरा। कमेंट सेक्शन में लिखेगा मेरा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। बजरंग पुनिया इन्होंने गोल्ड जीता है एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में। कौन सी कैटेगरी से? कैटेगरी हमेशा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है एफकैट का। ये 65 kg कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बजरंग पुनिया। इंडिया को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर
इनवाइट किया गया है इन अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर, जो हमारी चॉकलेट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं चाइना में, चाइना से, इनको बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें मेलामाइन, ये एक टॉक्सिक केमिकल माना जाता है, जो कि मिल्क चॉकलेट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलाया जाता है बाई चाइना। इसके कॉन्टामिनेशन की वजह से FSSAI, ये क्या है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने बैन कर रखा है चाइना। ये केमिकल का नाम क्या है? मेलामाइन। ईरान और पाकिस्तान ने एक बॉर्डर रिएक्शन फोर्स टीम सेटअप की है टू फाइट मिलिटेंट अटैक्स। कौन कौन से कंट्री ने? ईरान और पाकिस्तान। जो माइक्रोसॉफ्ट है, अपने क्लाउड बिजनेस को बूस्ट करने के लिए उसकी वैल्यूएशन $1 trillion, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, माइक्रोसॉफ्ट इस बार ज़्यादा ही न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यूएई की एक एयरलाइन है इथियार्ड एयरलाइन, ये पहली एयरलाइन बनी है जो प्लास्टिक फ्री फ्लाइट ऑपरेट करेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट कार ग्रीन कार लोन। मनु भाकर और सौरभ चौधरी, ये दो प्लेयर्स हैं, कौन सी गेम से? फ्रॉम शूटिंग। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन ISSF। दलबीर सिंह सुहाग, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज हाई कमिश्नर टू सी चिलीज। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, ये इस बार किसे मिला है? राणा दास गुप्ता जी को, फॉर हिज नॉवल सोलो। नेशनल पंचायती राज दिवस, ये मनाया जाता है हर साल 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि जो हमारा 73rd अमेंडमेंट है 1992, इससे ये पंचायती जो 11th स्केड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इंक्लूड किया गया था। और ये कब से इफ़ेक्ट हुआ था? 24 अप्रैल 1993। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट। और ये सारी PDF हमें आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल सकती है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक या बाकी सारी क्वेरीज के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।